أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

व्याया और नस्ताइन? खुदा हम बस तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं आपकी खिदमत में ये वायर हो चुका कि इंसान की जिंदगी का हदफ इबादत करना है जिन्न वल लेकिन ये इबादत करना इंसानी जिंदगी का दरमियानी हदफ है न कि नहाई हदफ बल्कि इबादत करना भी वसीला है उस नहायी हदफ तक पहुंचने का और इंसानी जिंदगी का नहाई हदफ और फाइनल टारगेट है यकीन की मंजिल पर फायस होना वा या यकीन इबादत जरिया है इंसान का उस यकीन की मंजिल तक पहुंचने का लिहाजा यकीन इबादत का नतीजा है आज हम ये जानना चाहते हैं कि इबादत से हासिल होने वाले यकीन और दूसरे यकीनों में क्या फर्क है वो जो साइंस के जरिए हासिल होना होने वाला यकीन है वो जो तजुर्बे के जरिए हासिल होने वाला यकीन है वो यकीन जो मुजे के जरिए हासिल होता है इन यकीनों में आपस में क्या फर्क है क्योंकि सब ही यकीन एक तरह के नहीं होते और यकीन के भी मख्तलिफ़ अकसाम हैं मुख्तलिफ़ मनातब हैं सब यकीन एक तरह के नहीं यकीन के भी मुख्तलिफ़ लेवल्स और दर्जात हैं। मिसाल के तौर तो पर वो यकीन जो फिर और फिरों को हज़रत मूसा सलाम के मुआजात को देख कर हासिल हुआ हजरत मूसा की असा को अजदहा बनते हुए देखने के बाद जो यकीन हासिल हुआ ऐसा यकीन न था जो इनको जुल्मतों से निकाल कर हदायत की वादी में लेकर आए जब हजरत मूसा की आशा अजदहा में तब्दील हो गई और साहिरों के जादू को निगल लिया तब हजरत मूसा का हक पर होना फिर फिर आया हो गया लेकिन इस यकीन के होने के बावजूद इन्होंने रोशन आयात और रोशनी बख्शने वाले हक का इनकार कर दिया सुनना इसी तरह बयाम आलिम उसका यकीन भी किसी काम का नहीं लेकिन वो यकीन जो इबादत की रोशनी में वजूद में आए और आबिद की रूह को रोशन कर दबिद के नजात का बायस बनेगा इंसान के जुर्म किरने की असल वजह इंसान का दामन गुनाह से आलूदा होने की असल जड़ ये है कि इंसान गुनाहों पर एक मीठा लुआब धन लगा हुआ है और आम इंसान उस, उस मीठे लुआब को उस जाहरी को तो देख रहा होता है लेकिन उसके गुनाह की तह को वो उसको देखने से आजिज है लेकिन वो जिन्होंने अपने आप को इबादत के यकीन से नूरानी कर डाला और हर चीज के जाहिर और बातिन को अंदरून और बिरून को देखने की सलाहियत उनमें पैदा हो गई हर हर हरगज वह गुनाह जिसका जाहिर तो मीठा है लेकिन जिसके अंदर जहर है वह गुनाह की हकीकत को देख रहे होते कभी भी वह गुनाह की तरफ मायल नहीं होंगे गुनाह का शौक उनके अंदर पैदा नहीं होगा वो जो गुनाह जिसका जाहिर तो खूबसूरत है लेकिन उसके अंदर की आग को भी देख रहा है कभी भी गुनाह की तरफ रगबत नहीं रखेगा वो जो इबादत के जरिए यकीन की मंजिल तक पहुंच गए खुद सलाहत के साथ उनके बारे में फरमा रहा है कि ये लोग दोजख की आग को अभी अभी देखने की सलाहियत रखते है वो जो तकास की भीड़ से निकल गए तकास के दलदल से निकल गए और कौसर के चश्मे से सैराब हो गए वो जो न दलील और बुरहान के जरिए बल्कि इबादत के जरिए तक फायज हो गए वो लोग अभी अभी जहन्नम का नजारा कर रहे होते बिल्कुल जिस तरह इमाम के अहब शब आशूर में जब इस बात का मुकम्मल इरादा बना दिया कि हम सैदे सलाम की मदद करेंगे और उनको तनह ना छोड़ेंगे तब सैदा सलाम ने उनमें से हर एक को उनके जन्नत का मकाम दिखलाया था लेकिन फिर कहीं ये में ना है कि इन्होंने जन्नत पाने के खातिर सैदा के साथ दिया नहीं इन्होंने जन्नत देखने से पहले ही जन्नतियों के साथ देने को इख्तियार कर लिया था वो जन्नत से पहले ही जन्नत के सरदार के आशिक बन चुके थे बस वो यकीन जो इबादत से हासिल किया जाए वही शहूद है क्योंकि इसके भी अनगिनत और अनलिमिटेड दर्जात है लिहाजा इंसान की ख्वाहिश जो कि लामहदूद चीज़ों को पाने की ख्वाहिश रखता है वो भी पूरी हो जाएगी और इबादत के ज़रिए इंसान यकीन के आला दर्जात पर फायज हो सकता है इसी तरह नमाज और नमाजियों के भी दर्जा हुआ करते हैं और हर एक इबादत और नमाज के एक लेवल पर नहीं बल्कि उनके भी दर्जात और मकाम हुआ करते हैं और उनकी इबादत का दर्जा उनकी मारिफत पर डिपेंड करता है जिस कदर उनकी मारिफत का लेवल बढ़ता जाएगा उनकी नमाज भी ज्यादा कीमती होती जाएगी वैल्यूएबल बनती जाएगी दरमियानी किस्म का नमाज गुजार मुतवस दर्जे पर फायज नमाजी वो नमाज पढ़ने वाला है जिसकी मुराद ईया का नाबदों से सिर्फ खुद ही है यानी वह शख्स अपने तमाम तर कामों में तमाम तर सोचों में खुदा ही को अपना मबूद मानता है यानी मैं तो खुदा का ही अब हूं और अगर अब यह नमाज गुजार नमाज के दौरान भी उसकी तमाम तरह और बातनी तो इबादत की तरफ हो तो ये दरमियानी किस्म का नमाजी कहलाएगा इससे पहले तरह वो नमाजी जिसकी बुराद नाम से सिर्फ खुद ही ना हो बल्कि दूसरों को भी दूसरी नमाजियों को भी शामिल करे और उनको भी इबादत गुजारों में शामिल करे लेकिन इन सब सबसे बाल वो नमाज़ नमाजी है जो तमाम कायन को खुदा नमाज पढ़ते हुए देख रहा है नमाज कायम करते हुए पा रहा है और तमाम कायनात को तमाम आलम हस्ती को खुदा का मरबूब जाने और खुदा को तमाम तर कायनात का रब माने ऐसा नमाज गुजार ऐसा नमाजी नमाज के आला दर्जे पर फायज है तमाम तर कायना को खुदा की इबादत करते हुए देखे ये देखे कि तमाम तर कियना खुदा की तस्बी कर रही है और फिर उसकी नाबदो से मुनाद ये हुआ करेगी कि दुनिया की तमाम तर चीजें उसमें शामिल है कि तमाम तर चीजें खुदा की इबादत कर रही है ईया का नाबदो यानी खुदा या हम सब तेरी ही इबादत कर रहे हैं कुरान करीम सरासर कायनात को खुदा का عبد के तौर पर पहचानवा रहा है सूरह मरियम की आयत आयत नंबर 93 इन खल्लमन् फिस समावात वल अर्द इला अत अल रहमान कयामत के दिन जब तमाम तर आसमानी और जमीनी مخلوقات عبد बने बाड़ का हलाइम हाजिर होंगे उनका عبد होना सब बड़ा आशकार हो जाएगा और अगर इंसान यह जान जाए कि कायनात की हर हस्ती खुदा की मरबूब है और अब और मौला के रबते को जान जाए न सिर्फ खुद बल्कि अपने तमाम तर आजा और जवारे बल्कि तमाम तर आलम हस्ती को इबादत की हालत में पाएगा और फिर अपने आप को इस उस इबादत गुजारों के अजीम काफिले का एक हिस्सा पाएगा ऐसा इबादत गुजार एक खालस एक खास आसाइश और एक खास आरामिश के साथ जन्नत को महसूस कर रहा होगा और जन्नत जन्नत को महसूस कर रहा होगा अब जन्नत की खातिर ये जहन्नम के अजाब से डर से डर की इससे इबादत नहीं करेगा क्योंकि वो तो जन्नत और जहन्नम को भी रब आलमीन के मरबूब के तौर पर रब आलमीन के मखलूक के तौर पर रब आलमीन के इबादत गुजारों के तौर पर मुतल मौला के अब के तौर पर मान रहा है और जो इस अजीम इबादत गुजारों के काफिले के साथ चल रहा है लिहाजा वो शख्स सिर्फ इलाही तक पहुंचने का तलबगार होगा और यही वो खालिस दीन है जो खुदा से मखसूस दीन है खालिस। की आएद, दीनी। और इस आला तरीन मकाम पर फायज यही सलाम ये चौदह मासूमीन है जो इस इबादत के जो इस नमाज के भी अला तरीन दर्जे पर फायज है अला तरीन मकाम पर फायज है और इन्हीं जवात मुकदस हस्ती में से वजूद मुबारक फातिमा जरा सलाम है वो फातिमा जो इल्म और मार्फत की उस मंजिल पर फायज थी कि जो खुद पे फ़दकिया बयान फरमा रही है वो आला कदम का तोहिदी खुतबा है एक तोहहीदी दर्श हमें दे रहा है उन अलारफ को मजामीन को जो नहजोब बलाका में मौरा अमीरुल उलमिन बयान फरमा रहे हैं। वो तो आला किस्म के मारफ को जो मौला नेहजूबल बयान फरमा रहे मौला के बयान करने से पहले पच्चीस साल कबल सैद सलाम्ल ने दरबार में जाकर जब खिलाफत को मांग रही थी जब विलायत की हिमायत कर रही थी जब खुदबिया इराज़ फरमाया जब खुतपिया बयान फरमाया तो उन्हीं आला कस्म के तोहीदीफ को इस खुतबिया में बयान फरमा रही तो जिस इलमी मकाम पर मौला अमीर फायज उसी इल्मी मकाम पर सदा सलाम्लाहा फायज लेकिन हाय आजादारा ने मोहतरम दुश्मनान ने इन अहल बैत को न सिर्फ उनकी कदर मंजिलत को न जाना न सिर्फ उनसे मोहब्बत और मवदत न की बल्कि उन पर वो मजालिम ढाए सयदा सलाम का ये कहना कि लाऊ अगर ये मजालिम रोशन दिन पर ढाले जाते तो वो तारीख रातों में तब, तब्दील हो जाती फातिमा अलैहा के आखिरी अयाम चल रहे सैयदा इतनी कमजोर हो गई कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती असा के सहारे अपने हुजरे से बाहर नहीं आ सकती हत्ता इतनी कमजोर हो गई हाँ जदा मोहतरम आखिरी रात आ गई दर्द व तकलीफ इतना बढ़ गया कि सैदा पूरी रात जाग कर गुजार रही साबरा है और कायनात का मुश्किल मंजर देख रहा है लेकिन सब्र जो खुदा की मर्जी हो एक लम्हे फजर से पहले फातिमा की आंख लगी अली ने देखा कि थोड़ी देर के लिए फातिमा को करार आया है मौला मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए जब वापस आए तो बड़ा अजीब मंजर देखा देखा फातिमा की हालत तब्दील हो गई है बहुत खुश लग रही है मौला ने पूछा फातिमा ऐसा क्या हुआ फातिमा ने कहा कि खाप में बाबा को देखा मेरे बाबा मुझे लेने आ रहे अब ये जालिम फातिमा को असियत नहीं कर पाएंगे ज़हर के वक्त करीब आया फातिमा बिस्तर पर लेट गई हसन और हुसैन माँ के पास आए माँ को सलाम किया कहा माँ हमारा सलाम कोई जवाब ना आया अम्मा हुसैन का सलाम लो कोई जवाब ना आया तीसरी बार जब जवाब ना मिला तो अपने सर से अम्मामे को फेंका और दोनों हाथों से सर को पीटा और ये कहने लगे ये कौन सा दिन आ गया हुसैन मां को सलाम करे और मां जवाब ना दे अल्लाह वला अनतुल्लाहु अला अल कौम الظالمین व सيعلمو الذین बारहलॉ हमारे इस कलीस से इबादत कबूल फरमा हमारे गुनाह ने सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा दे हमारे वालदेन के गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमें इबादत के उस अली तरीन मकाम पर नमाज के उस अली तरीन मकाम पर पहुँचने की तोफ़ी इनायत फरमा इमाम सामाना जल अ फरज और शरीफ के जुबू में तजील फरमा और हम सब को उनके आहवान अनुसार में जा शामिल फ़रमा कर जाम शहादत नसीब फरमा रपना तकबल मन्ना